ربي زدني منك علما وأنلني منك فهما ربي زدني منك علما وأنلني منك فهما. आपने कुरान का पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों के सामने पेश कर दिया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ताला का इरशाद तमाम दुनिया के इंसानों को सुना दिया कि ओ कायनात के लोगों, ओ आदम की औलाद, कान खोल कर सुन लो कि हमने तुमको एक मर्द औरत से पैदा किया है। तुम सब आदम और हव्वा की औलाद हो, तुम सब एक माँ बाप के जरिए दुनिया में तुमने वजूद पाया है, और तुम्हारे दरमियान जो खानदान और बिरादरियां हैं, जो कबीले हैं, वो इसलिए नहीं है कि कोई कबीला ऊंचा है, कोई कबीला नीचा है, कोई बरतर है, कोई कमतर है, कोई आला है, कोई अदना है। ये सब फितने हैं जाहिलियत के, ये कुफ्र की शरारतें हैं, ये शिर्क फैलाया हुआ निजाम है, ये इस्लाम में नहीं चलने वाला। अन्नासु सवासियतुन कास्नानिल मिश्त, दुनिया के इंसान इस तरह बराबर हैं जैसे कंघी के दंदाने बराबर होते हैं। खानदान कबीले बिरादरियां सिर्फ इसलिए हैं ताकि एक दूसरे की पहचान हासिल कर सको, और इज्जत वाला तो वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अमली मुजाहरा करके बताया, जब मक्का मुकर्रमा फतेह किया गया और आप शदीद तरीन जुल्म के दौर से गुजरने के बाद फतेह का झंडा लिए हुए मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, और आपने अपने तमाम दुश्मनों को एक जुमले में माफ किया और फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब आजाद हो। रास्ते में कांटे बिछाने वाले, ऊंट की गिलाजत नमाज की हालत में लाकर डालने वाले, शेब अबी तालिब में कैद करने वाले, दंदाने मुबारक शहीद करने वाले, और सहाबे किराम को तरह तरह की अजियत पहुंचाने वाले, और इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले तमाम दुश्मनों को एक जुमले में माफ किया और फरमाया, जाओ तुम सब आजाद हो, तुम पर कोई मलामत नहीं, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कोई मलामत तुम पर नहीं है। और उसके बाद खाने काबा को आपने पाक साफ फरमाया, उसकी तत्हीर फरमाई, और पहला मौका है कि बरसों बरस के बाद अब खाने काबा से अल्लाह का नाम पुकारा जाएगा। बिना इब्राहिमी से अल्लाह ताला की किबरियाई का नगमा बुलंद किया जाएगा, पहली अजान दी जाएगी। बड़े बड़े सहाबा मुंतजर थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुसाब रजी अल्लाह अन्हुम, और बड़ी जमात सहाबा की जो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने सार वो मौजूद हैं और इंतजार में है कि हमको ये साहबे पर इन तमाम बड़े सहाबा को और बड़े कबीलों और खानदानों के लोगों में से किसी को नहीं बुलाया। आपने इरशाद फरमाया, बिलाल कहाँ है? एक काला कलोटा इंसान, हबशा का रहने वाला गुलाम, जिसको आज के समाज में अगर वो होते इज्जत का मकाम नहीं दिया जाता। ये जो निजाम कायम कर लिया गया, इस निजाम की वजह से कोई उनके पास ऐसी चीज नहीं थी जैसे उनको इज्जत दी जाती। लेकिन अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुनिया की निगाह में इज्जत का कोई सामान इनके पास ना हो, मगर इनके पास ईमान है, इनके पास अल्लाह पर लाजवाल यकीन है, इनके दिल में अल्लाह उसके पाक रसूल की मोहब्बत है, और ये ऐसा सरमाया है जिसकी वजह से इज्जत मिलेगी, सुरखरुई मिलेगी, सरबुलंदी मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और इरशाद फरमाया कि बिलाल, तुम खाने काबा की दीवार पर चढ़ जाओ, छत पर चढ़ जाओ और पहली अजान दो। दुनिया ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने बराबरी का सबक दिया था अपनी जुबान के जरिए, तो अपने अमल से उसको साबित करके दिखाए। आपने बताया बराबरी किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमा दी कि इख्तलाफात में न पड़ो, मसलक पे अमल करना है, चलते रहो, मसलक चलने की चीज है, लड़ने की चीज नहीं। हमारे बुजुर्गों ने मुस्लिम पर्सन अल्लाह बुक की बुनियाद के वक्त यही ऐलान किया था कि सारे लोग, सारे मुसलमान, सारे तबकात अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर एक हो जाएं, और वो सब एक हुए, और अल्लाह का फजल है कि आज तक वो सारा इत्तेहाद
पूरी मजबूती के साथ कायम है और इंशाअल्लाह कायम रहेगा। और मैं साफ कह सकता हूँ कि इस इत्तेहाद के आगे बड़ी बड़ी ताकतें झुकी हैं और बड़ी बड़ी ऐसे लोग जिनको फिरौन होने का दावा था, जिनको अपने इख्तदार पर गुरूर और नाज था, जो ये समझते थे हमको कोई झुका नहीं सकता, हमको कोई दबा नहीं सकता, जब उन्होंने शरीयत पर हमले किए और मुस्लिम पर्सन अल्लाह बोर्ड ने उनका ताकुब किया, उनका पीछा किया, तो वक्त आया कि जब उनको सजदे सौ करना पड़ा और मुस्लिम पर्सन अल्लाह बोर्ड की इत्तेहाद की ताकत के आगे उनको झुकना पड़ा। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि नूर की ये किरण जुलमात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी।